कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो. बताना नहीं है, मैंने आज तक कभी भी नहीं बताई है ये चीजें कि मैंने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. बट सिंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो मैं पूरी ऑनेस्टी रखना चाहता हूँ कि अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो शेयर किया है. यू कैन सी द वेरियस म्यूचुअल फंड्स आई एम होल्डिंग राइट नाउ. तो बहुत सारे लोग मुझे मेरे मेन चैनल से जानते होंगे, दैट इज सचनाना IIT. बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. मैंने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है एंड आई हैव रिसीव्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस इन इंडिया. इस वीडियो में अपने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप्स डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को पूरा देखना है, अगर हो सके तो 1.5x पे करके देख लीजिए, 2x पे करके देख लीजिए, बट पूरा देखना बिकॉज इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी अलॉन्ग विद मेनी अदर पार्ट्स जो आपके लाइफ लॉन्ग आपका साथ देंगे. हो सके तो एक रफ कॉपी भी लेके बैठ जाना. मैं एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसको मैं आज का रफ वर्क बोलूंगा. आपका एक दोस्त है, लेट मी से हिज नेम इज विराट. अब विराट नाम क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, बिकॉज ऑनेस्टली INS विराट करके एक शिप है, आई होप यू पीपल नो. तो मेरे पापा इंडियन नेवी में है, एक्चुअली रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने कारगिल वॉर के टाइम पे उस पर भी सर्व किया था, तो फिर इसलिए थोड़ा सा विराट नाम से मुझे अटैचमेंट है. बहुत से लोगों के लिए विराट कोहली वाला विराट होगा, बट वहाँ पर डबल ए आता है. अच्छा, तो ये तो हो गया. अब यहाँ पे अगर मैं विराट करके आपका एक दोस्त है उसका एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ. अगर वो पर्सन आता है और आपको बोलता है कि वो पर्सन एक कंपनी खोलना चाहता है, एक लेट मी से रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए वो बोल रहा है कि आपसे उसको 100 रुपये चाहिए, बिकॉज 100 में परसेंटेज डील करना आसान होता है. आपने बोला कि मैं 100 रुपये तो तेरे को दे दूंगा, लेकिन मुझे तेरी कंपनी में 20% शेयर चाहिए इन प्रॉफिट्स, ठीक है. अब एक साल के बाद क्या होता है, एक साल के बाद ये जो कंपनी है जो विराट ने रेस्टोरेंट खोला अपना विराट रेस्टोरेंट, उसमें क्या हुआ, उसने उस कंपनी के प्रॉफिट को 200 रुपीज कर लिया, या लेट मी से 1000 रुपीज कर लिया. 100 से 1000 पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से जा सकते हैं. अगर उसने 1000 रुपीज पे कर लिया, तो जो आपने 20% इन्वेस्ट किया था, वॉट इज 20% ऑफ 1000, 20/100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 200 रुपीज, तो वो 200 रुपए बन गए. तो कैन यू पीपल अंडरस्टैंड आपने एक साल में कितना प्रॉफिट वहां पे बना लिया है. ये बिल्कुल एक रफ रिप्रेजेंटेशन है स्टॉक मार्केट का, बिल्कुल रफ है, बिकॉज यहाँ पे कोई डिविडेंड्स कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, बट किसी भी बिगिनर के लिए समझने के लिए, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जैसे JEE में होता है ना, एग्जाम्पल्स द्वारा समझाना ज्यादा आसान होता है इंस्टेड ऑफ थ्योरी. तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि ये रफ वर्क है एक स्टॉक मार्केट का. तो आपने एक साल के अंदर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया. अगर आप इसी 100 रुपए को जो आपने इनिशियली विराट दोस्त को दिया, तो अगर आप उस 100 रुपए को फॉर एग्जाम्पल बैंक में रखते, बिकॉज सेफ्टी है बैंक्स में, मैंने बैंक पे रखा, मैक्सिमम पॉसिबल इंटरेस्ट इज 3-6%, लेट मी से 6% भी आपको मिल गया, तो वही सेम रुपए 106 बन गए. बट जो आपके दोस्त है, जो आप है बेसिकली, उसके 200 रुपए बन गए. तो किसका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, स्मॉल स्केल पे सोचना मुश्किल है. बट अगर मैं इसी को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दू, 100 गुना कर दू, तो सबको दिख जाएगा कि एक छोटा अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट बन के आ सकता है फ्यूचर में. ये बिल्कुल रफ वर्क है किसी भी बच्चे को समझाने के लिए, एक बिगनर को समझाने के लिए, कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे मल्टीप्लाई होते हैं एंड क्यों वो हेल्पफुल रहता है फ्यूचर के लिए. अब अगर मैं बात करता हूं इसी वीडियो में, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, आप सभी के पास एक फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए. बिफोर मूविंग ऑन टू द फर्दर वीडियो, आई वॉन्ट टू पर्सनली थैंक My financial manager, because मैंने कभी भी publicly thank नहीं किया है on YouTube, so I want to personally thank her, because उसके बिना ये कभी भी possible नहीं हो पाता. तो आप सबको भी एक financial manager hire करना है. Obviously initial level पे हम hire नहीं कर सकते हैं, तो तब क्या करना है, तब हमें books पढ़नी है. कौन सी books पढ़नी, वो मैं इस video में deal करूंगा. अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ next part के ऊपर, as you can see that during the past few years, I have gained around 74% and 61% from the stock markets and the mutual funds respectively. ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा आएगा, बट इस बार जो मेरे साथ हुआ वो आपको बता रहा हूँ. अब ऐसा क्यों हुआ, देखो स्टॉक मार्केट में ये रिटर्न पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है. मेरे पापा ने बहुत पहले, जब पेपर वाले शेयर्स होते थे, समझ आ रहा, पेपर वाले, डिजिटलाइज भी नहीं थे, तब MRF वाले शेयर्स लिए थे, तो तब भी हमने होल्ड किया. डिप आया, होल्ड करना है, ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड
किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल बनाता है वो है पेशेंस, एंड ये ट्रेड बहुत सारे पर्सन में मिसिंग है। तो जिन लोगों में पेशेंस नहीं होता है, जो लोग कमा लेते हैं उनको वो बोलते कि वो लकी थे। Odds were stacked against me. I won anyway. Because I win. You won because Edward Darby came forward. You got lucky. Guys like you always think other people get lucky. I don't get lucky. I make my own luck. And in this case, it's bleeding you dry. Right there. अब बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पे। मैंने जो यहाँ पे आप सभी के सामने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो शेयर किया है, यू कैन सी द वेरियस म्यूचुअल फंड्स आई एम होल्डिंग राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई लाइक टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स। ऐसे अंधाधुंध नहीं करना है आपको, आपको पहले देखना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्या उसका पास्ट रहा है, या स्टॉक मार्केट के टर्म्स में बोलो पी बाई ई रेशियो देखना है, पी बाई बी देखना है, एक्सपेंसेस, वो सब। ये चीजें आप कैसे सीखोगे? बुक्स पढ़ पढ़ के सीखोगे। तो हमें बुक्स पढ़नी है। कौन से बुक्स पढ़नी है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक बन के आती है वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसका लिंक मैं ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा। मैं जहां पे भी जाता हूं इसको हमेशा अपने साथ लेके घूमता हूं। मैं दो बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूं इस बुक को, एक और बार पढ़ने का मेरा मिशन है। दस नॉलेज विच इज सेल्फ गेन्ड इज द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज, ठीक है। ये मेरे म्यूचुअल फंड का वो है पोर्टफोलियो। इफ यू वॉन्ट माई स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर वो तो आएगा ही। साथ में अगले वीडियो में हमारे पास सतीश के वीडियोस चैनल के जो ओनर है, दैट इज सतीश खुशवा सर, वो भी हमारे पास आने वाले, तो उससे आपको और भयंकर मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मेरे म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो यहाँ पे आप सभी के सामने शेयर कर दिया है। प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मैंने सभी में हाई रिस्क हाई रिटर्न में इन्वेस्ट किया है। आप लो रिस्क लो रिटर्न में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे बस परसेंटेज आपको कम मिलेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कैसे आपको मनी को इन्वेस्ट करना है, मतलब जो भी आपकी सैलरी है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे साथ कोटा में क्या होता था, मेरे पापा जो हैं वो मुझे 2000 रुपीज पर मंथ का खर्चा देते थे। उन्होंने मुझे क्या बोला मेरे खर्चे घटाने के लिए, उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई तू मुझे 500 रुपये दे दिया कर वापस, मतलब मेरे पास जेब में 1500 वापस आएंगे। अगर तू 500 वापस देता है तो साल के एंड में, मतलब सॉरी 6 महीने के एंड में मैं तुझे इसके ऊपर 20% इंटरेस्ट दे दूंगा। समझ आ रहा है? तो देखो यहां पे दो चीजें आपको समझनी है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। पेशेंस, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एंटायर लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल। प्लीज अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इन्वेस्टर बनना है, एक ट्रेडर नहीं बनना है। इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, बिकॉज लॉन्ग टाइम में ज्यादा अच्छे परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स बन के आते हैं। अभी गूगल पे जाओ, MRF का इंटरेस्ट वो देखो कितना ज्यादा उसने इंटरेस्ट दिया है, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने का तरीका क्या होता है। विप्रो का एग्जाम्पल हो गया एक और। तो हमें इन्वेस्टर बनना है। एक चीज समझना है यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपको अपने फादर से जाके ये बात करनी है कि पापा जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो जब आपने शुरू से ये आदत डाल ली इस इंटरेस्ट को गेन करने की, इस पर्टिकुलर मनी को इन्वेस्ट करने की, वो लॉन्ग टाइम तक आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब जो आपकी सैलरी है, जो मनी आपको मिल रहा है, जो भी बड़े लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लेट मी से जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 50% से कम होने चाहिए। नहीं होंगे तो अलग बात है, बट उससे कम होने चाहिए। ये आपको ट्राई करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं x टू 50% बोल रहा हूँ, लेट मी से दैट x इज इक्वल टू 40%। तो 40% आप लोगों का एक्सपेंस बन के आ रहा है 100% सैलरी में से। उसके बाद इन्वेस्ट कितना करना है आप लोगों को, अच्छी तरह सीखने के बाद, इंटरेस्ट गेन करने के बाद कि क्या वो चीजें होती है, बुक्स पढ़ने के बाद आप सभी को 25% ऑफ योर सैलरी इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो 5% सैलरी आती है आप लोगों की, उसको आपको डोनेट करना है। ठीक है, बिकॉज मेरे पापा डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो मैं पर्टिकुलरली भारत के वीर में कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। इट इज टोटली योर विश आप कहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने आज तक पब्लिकली शेयर नहीं किया है, आज मैं बताना चाह रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस पे मैंने 25 स्टूडेंट्स को 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया है, बिकॉज उन लोगों के पास
वो मनी नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके जेई एडवांस की पढ़ाई के लिए। उन्होंने मेंस में अच्छा किया था बट एडवांस में उनके लिए पैसा नहीं था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हम आपके कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने मैंने ये उनके लिए किया है। तो इसको बोलते हैं मतलब इन्वेस्ट करना इन देयर फ्यूचर, ठीक है, समझ आ रहा। कोई रिटर्न नहीं मिलेगा हमें बट वो जिंदगी भर हम लोगों को याद रखेंगे कि भाई हाँ सचिन भाई ने उस टाइम पे हेल्प की थी। और साथ में इफ यू रिमेंबर, I don't know if I've told you this or not, but three girls को मैंने जो मेरे आसपास के पापा ने मुझे मैसेज किया था कि वो पापा के बचपन के दोस्त हैं तो उनके पास मनी नहीं है लड़कियों को और आगे पढ़ाने का, अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर इनको शॉप पे बैठना पड़ेगा, इसलिए उन 11वीं के बच्चियों के लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे। वो तो बहुत कम फीस थी ऑब्वियसली, बट जस्ट टेलिंग यू कि ये भी जिंदगी में बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लास्ट पार्ट की, वो आपकी है सेविंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट इज मच 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 ग्रेटर देन द सेविंग्स, जो भी वाई परसेंट आपकी सैलरी बच के आ रही है। तो 40, 25, 5 is 70, तो 30% आप सेव कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, जिसमें से आप फर्दर FDs करना चाहो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दिस शुड बी योर रफ ग्राफ फॉर योर एंटायर फ्यूचर। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी केयरफुली। अगर आपको स्टॉक मार्केट के लिए वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, वो मैं बना के दे दूंगा, बिकॉज आई एम होपिंग दैट सतीश सर के साथ वो वीडियो बनाऊं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। आपके पास 100 रुपए हैं, आपने उसको बैंक में डाला, इन्फ्लेशन जो अप्रैल मंथ में बन के आया था दैट वॉज 4.29%। अब अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट रेट की, अपने पापा मम्मा के पास अभी जाके पूछना परसेंटेज इंटरेस्ट ऑफ योर बैंक, लेट मी से दैट इज इक्वल टू 4%। बहुत ही हेल्दी अमाउंट ले रहा हूं, इससे कम ही होता है। तो इस अमाउंट पे आपने एक साल में 104 रुपए बना लिए 100 रुपए में से, बट 4.29 की भाई इन्फ्लेशन होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हर 100 रुपए की बात करूं तो 104.29 रुपीज उसकी वैल्यू मतलब घट रही है, तो रुपए की वैल्यू इस टाइम पे घट रही है। तो प्रैक्टिकली नेट में आपने 0.29 लूज किया है, गेन नहीं किया, समझ आ रहा है। इसलिए बैंक में रखना जो पैसा होता है वो जनरली जितना मिनिमम हो सके उतना रखिए, इट शुड आइडियली बी इक्वल टू योर 6 मंथ्स का सैलरी, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 6 महीने जॉब ना भी रहे तो आप उस बैंक अकाउंट पे चल सको, इतना अमाउंट आपके पास एक टाइम पे एक्यूमुलेटेड होना ही चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव हर्ड और नॉट, वैसे सभी ने सुना ही होगा। तो क्रिप्टो करेंसीज में जो इथेरियम होता है उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था। आई डोंट रिमेंबर हाउ मच वॉज इट, आई थिंक सो इट वॉज ₹800 एट दैट टाइम, नॉट ₹800, सॉरी $800 एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। आई थिंक सो आई हैव अराउंड 5 to 6 इथेरियम्स, इवन मोर, बिकॉज मैं बीच बीच में डिप, देखो एक रूल होता है सिप एंड डिप, ठीक है, जब भी डिप मार रहा हो तब इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी होती है। तो ये वाला मैं सिर्फ प्रो लेवल लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा। अब इसकी वैल्यू शायद 2500 बन गई है, बिकॉज आई इन्वेस्ट एंड देन लेट इट ग्रो एंड उसके बाद ही मैं निकालता हूँ पैसे। तो अभी ग्रो कर रहा है, अभी थोड़ा सा बीच में क्रैश भी होता तब मैंने और इन्वेस्ट किया है, तो शायद ही अप्रोक्सीमेटली 8 बन चुका है, समझ आ रहे। तो इस लेवल का हमें बनना है। अच्छा, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की भी टिप्स चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आप कौन सी ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो लाइक कर देना इस वीडियो पे एंड कमेंट कर देना जो भी आपको किस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो बन के आती है आपके पूरे करियर के लिए कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो म्यूचुअल फंड्स मैंने बताए हैं ये मेरा पोर्टफोलियो है, अब आपकी मर्जी आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, इस सब में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ IITian बनना चाहिए, जरूरी नहीं है। अब डेफिनेशन क्या सक्सेसफुल होने की, वो आपकी मर्जी है। मेरे मम्मा हमेशा एक चीज बोलती है, आप सभी के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूं, कि सबसे पहले सरस्वती माता आएगी, उसके बाद फिर लक्ष्मी माता आएगी। अगर आपके पास पहले लक्ष्मी माता आती है और सरस्वती माता नहीं होती है तो फिर वो लक्ष्मी माता टिकती नहीं है, समझ आ रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्ड योर ब्रेन, ठीक है। इट इज टोटली योर विश कि आप क्या बनना चाहते हो, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जिस दिन आप अमीर बन जाओगे आपको दिख जाएगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट ये कुछ तो होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है।
सो आई होप यू लव द वीडियो, आपको कुछ टिप्स मिली होंगी. ऑब्वियसली फ्यूचर में मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो बनाऊंगा, लाइक कर देना वीडियो को. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो. बताना नहीं है, मैंने आज तक कभी भी नहीं बताई है ये चीज़ है कि मैंने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. बट सिंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो मैं पूरी ऑनेस्टी रखना चाहता हूँ कि ये मैंने किया है, तो बस आपको बता दी. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना पक्का से. जय हिंद, बाय.